नए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहा है, जहां नए मुख्य सचिव होंगे दुर्गा शंकर मिश्रा। उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है लखनऊ। जैसे ही दुर्गा शंकर मिश्रा पहुंचे, लखनऊ पहुंच पर उनका भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर लखनऊ पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया और थोड़ी ही देर में दुर्गा शंकर मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम जानकारी वो देंगे और पत्रकारों के सवालों का जवाब भी देंगे। तो आपको बता दें, यूपी के नए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा होंगे लखनऊ। वो पहुंच चुके हैं। जैसे ही वे लखनऊ पहुंचे, एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर भी उन्हें दिया गया। हेलो, अब मेरी आवाज आ रही क्या? आवाज आ रही है? अब भाई अगर माइक न भी चल रहा होगा तब भी आवाज आप तक जा सकती है। चलिए, थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज मुझे अपने प्रदेश को, जहां मैं पैदा हुआ, जहां पला बढ़ा, जहां अपने संवर्ग में लगभग 20 साल की मैंने सेवा की, वहां पर एक बार दोबारा सेवा करने का मौका मिला है। आप में से ज्यादा लोग मुझे जानते होंगे, व्यक्तिगत तौर पे जानते होंगे, क्योंकि यहां पे मैं तमाम सारी जिम्मेदारियां निभा चुका हूं उत्तर प्रदेश सरकार में, और आता भी रहा। यस, भारत सरकार से मैं जब सचिव के रूप में या एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे, अन्य जिम्मेदारियों के तौर पे आता भी रहा हूं, तो आपके साथ पूरी तरह से जुड़ा भी हूं। मेरे लिए ये जिम्मेदारी एक पूरी सेवा है, और वो सेवा है अपने प्रदेश के तमाम सारे लोगों को, उनके लिए जो भी बेस्ट से बेस्ट मैं कर सकता हूं, और वो करने के लिए जो हमारे तमाम सारी पूरे सिविल सर्वेंट्स की जो फौज है, उनको जिस प्रकार से मैं सही तरीके से उपयोग कर सकता हूं, जिससे कि आपको जानकारी है कि पूरे देश में पिछले 7 सालों में जिस प्रकार का अभूतपूर्व परिवर्तन की लहर है, और जिसका मैं खुद साक्षी हूं। भारत सरकार में 7.5 साल मैं हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री में, लगभग 3 साल एडिशनल सेक्रेटरी रहा, और 4.5 साल से ज्यादा अवधि में मैं सेक्रेटरी रहा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री का, और इतने सारे काम पूरे देश के कोने कोने में, चाहे अरुणाचल हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, पूरे देश के कोने कोने में जिस प्रकार के अभूतपूर्व परिवर्तन की लहर है, और उसमें हमारा उत्तर प्रदेश भी काफी आगे है। तो एक तरफ तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की आकांक्षाएं और उनकी जो विजन है देश को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए, और दूसरे तरफ हमें, मैं दूर से अभी तक देखता था, जब कभी मैं उत्तर प्रदेश का आया रिव्यू करने के लिए, तो मैं बहुत हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद लेने के लिए जरूर आया, और उनका जो मैं तरीका देखता था, जहां पे हमारे मंत्रालय में जब 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पे उन्होंने चार्ज ग्रहण किया, उसके पहले हमारे मंत्रालय के, चाहे स्वच्छ भारत मिशन का कार्यक्रम हो, उत्तर प्रदेश सबसे पीछे हुआ करता था। अगर आप पीछे जाएं, 2018 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था, उत्तर प्रदेश के शहर नीचे से नीचे पायदान में, बिल्कुल सबसे नीचे, पूरे देश के सबसे नीचे पायदान हुआ करते थे। और अभी जब 2021 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण का रिपोर्ट निकली है, तो उत्तर प्रदेश उसमें 5वां स्थान प्राप्त करता पूरे देश में। पहले बार उत्तर प्रदेश के शहर पहले 50 में भी आए। सब जगह एक परिवर्तन के लिए, आपका बनारस शहर जो है, जितने भी गंगा टाउन है, उसमें टॉप पे आया। यहां पे 100% शहर ODF हो गए,